A room is in the form of cylinder surmounted by a hemispherical dome. तो एक रूम है सिलेंडर के फॉर्म में. सिलेंडर के फॉर्म में रूम थोड़ा रेयर होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है कि एक रूम सिलेंडर के फॉर्म में है. तो रूम नॉर्मली स्क्वायर रेक्टेंगुलर होता है, वैसा नहीं है, सिलेंडर के फॉर्म में है. इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर का पार्ट है, ऐसे डोम जिसको बोलते हैं. नॉर्मली इस टाइप का शेप जो है वो टेम्पल्स में होता है बहुत बार. इसका रेडियस जो है हेमिस्फीयर का बेस का रेडियस ये दिया कि इज वन हाफ द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट. ये सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट हम कुछ मानते हैं एच. इसका जो रेडियस है हेमिस्फीयर का, ये सिलेंडर का ही रेडियस के इक्वल हो जाएगा, तो इसको स्मॉल आर लिख देते हैं. यहाँ पे देयर रेडियस इज वन हाफ ऑफ हाइट, आर इज इक्वल टू एच बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं. या फिर इसी को हम लिख सकते हैं कि टू आर इज इक्वल टू एच, तो ऐसा है. और आगे दिया है फाइंड टोटल हाइट ऑफ रूम इफ इट कंटेन्स दिस मच वॉल्यूम ऑफ एयर. तो इस रूम में टोटल एयर का वॉल्यूम हमें दिया है, एक्चुअली वो रूम का ही वॉल्यूम हो गया. रूम का वॉल्यूम टोटल कितना होगा, जो सिलेंडर का है प्लस जो हेमिस्फीयर का है. तो वॉल्यूम हम रूम का टोटल इस तरह से लिखेंगे. हेमिस्फीयर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है स्फीयर का हाफ. तो स्फीयर का होता है 4/3 π³, इसका होगा 2/3 π³ प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम हम लिखेंगे π² h. तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं वॉल्यूम के लिए. फिर इसमें जो वैल्यूज दिए हैं वो बस पुट करते हैं. वॉल्यूम हमें दिया है 1408/21 = यहाँ पे लिखेंगे 2/3 π का वैल्यू जो यहाँ पे दिया है 22/7 हमें लेना होगा. 22/7 इंटू आर क्यूब प्लस π 22/7 इंटू आर स्क्वेयर इंटू एच. हम ऐसे कर सकते कि h की जगह पे हम 2r ही लिख देते हैं, क्योंकि 2r लिखेंगे तो पूरा r में इक्वेशन आएगा, वहां से हमें रेडियस आसानी से मिल जाएगा. तो h की जगह पे हम इंटू 2r लिख देंगे यहाँ पे. तो अब इसको बस सॉल्व करना है. यहाँ पे डिवीजन भी कुछ हो जाएगा अच्छे से, जैसे 7 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरे इक्वेशन को. तो यहाँ पे 3 हो जाएगा राइट साइड में, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, मतलब हमने 7 कैंसिल किया है दोनों इक्वेशन में डिनोमिनेटर का एक तरह से. इसी तरह से 22 से भी डिवीजन जाएगा पूरे इक्वेशन में. अगर 22 से डिवाइड करेंगे तो 1408 इसको 22 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 64. ऐसा नहीं आएगा डायरेक्ट, तो फिर 2 से 11 से पार्ट पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं. तो 22 से डिवीजन करके 64 यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है अभी, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1. फाइनल इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा कि 64/3 = ये हो जाएगा 2/3 r³ मीन्स 2 r³/3 प्लस यहाँ पे है 2 r³ प्लस 2 r³. इसको फिर हम सॉल्व करेंगे तो 2/3 r³ प्लस 2 r³ एलसीएम लेंगे तो इसको नीचे 3 लिखेंगे. 2 r³ प्लस 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 r³ होगा. 6 r³ प्लस 2 r³ 8 r³ होगा ये, ठीक है. तो 64/3 = 8 r³/3. इसमें भी 3 कैंसिल करके हम ये लिख सकते हैं कि 64 = 8 r³. 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आएगा 64/8 = r³. r³ = 8, therefore r = 2. तो रेडियस हमें पता चल गया है 2. अब रेडियस अगर 2 है तो h जो वो 4 होगा, क्योंकि यहां से हमें पता है h = 2r. तो h का भी वैल्यू हम लिख सकते हैं, h होगा रेडियस का डबल, h = 2r = 4. सब कुछ जो वो मीटर्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो वो मीटर में दिया था, मीटर का यूज किया है यूनिट्स में. हमें कैलकुलेशन करना था फाइंड टोटल हाइट ऑफ रूम. हमने पहले ये डिस्कस किया था कि रूम का टोटल हाइट जो है ये होगा आर प्लस एच, क्योंकि एच तो इस सिलेंडर का हाइट है और इसके ऊपर और डोम का जो हाइट होगा वो होगा आर. तो टोटल हाइट रूम का होगा आर प्लस एच. आर 2 है, एच 4 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6 मीटर. 6 मीटर होगा टोटल हाइट.